तब हसनैन साहब ने कहा कि 370 है, 370 है, 370। मैं मानता हूं हसनैन साहब 370 है, मगर आगे अस्थाई शब्द आप भूल गए हैं। ये अस्थाई है, परमानेंट नहीं है। अस्थाई शब्द आप भूल गए हैं और या तो जानबूझकर पढ़ते नहीं हैं। 370 हमारे संविधान का अस्थाई मुद्दा है, ये याद रखिएगा। और शेख अब्दुल्ला साहब की सहमति से ही हुआ है, शेख अब्दुल्ला साहब की सहमति से ही हुआ है। आपने कहा कि अप्रोच में परिवर्तन, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं सदन के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार या मेरे अप्रोच के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। हमारा अप्रोच पहले भी वो था, आज भी वो है, आगे भी ये रहेगा। भारत को सुरक्षित, समृद्ध, संस्कृत और शिक्षित बनाने का अप्रोच जस का तस हमारा पड़ा, कोई परिवर्तन नहीं। मैं उन्होंने विभाजन की बात करी कि विभाजन के कारण पूरा देश रक्त रंजित हो गया, विभाजन का कोई समर्थन नहीं करता। हम तो ना उस वक्त करते थे ना आज करते हैं। मनीष जी, आप सवाल उठा रहे हो विभाजन का, किसने किया विभाजन, किसने किया? हमने नहीं किया है। विभाजन की सहमति किसने दी? हम आज भी कहते हैं कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। हम आज भी कहते हैं ये गलती हुई है, ऐतिहासिक गलती हुई है, जिसकी ऊंचाई हिमालय जितनी है और गहराई सागर जितनी है। वो गलती मगर हमने नहीं की है, गलती हमने नहीं की है, गलती आपने करी है, आपकी पार्टी ने करी। और इतिहास से आप भाग नहीं सकते हो। माननीय अध्यक्ष जी, हमें इतिहास की दुहाई दे रहे, एक तिहाई हिस्सा जम्मू कश्मीर का हमारे पास नहीं है। किसके कारण नहीं है भाई, किसके कारण नहीं है? जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारत के साथ संधि कर दी, वायुसेना के विमानों से भारत की फौज वहां गई, पाकिस्तान के भेजी हुई कबीलाई के रूप में आई हुई सेना को खदेड़ना शुरू किया, खदेड़ते खदेड़ते काफी हद तक कश्मीर से लेकर आज की एलओसी तक पहुंचे, किसने सीज फायर कर दिया? किसने सीज फायर किया? माननीय अध्यक्ष जी, हमने नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने सीज फायर कर वो हिस्सा आज पाकिस्तान। हमें इतिहास सिखा दें, हमें कहते हैं, आरोप लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, इसको भरोसे में नहीं लेते, उसको भरोसे में नहीं लेते, इसको भरोसे में, फलाने को नहीं, ढिकने को नहीं लेते। जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के गृहमंत्री और उप प्रधानमंत्री को भी भरोसे में लिए बगैर कर, अगर भरोसे में लेते तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हाथ हाथ में होता, हमारा कब्जा, इसको वापिस लाने के लिए इतनी जद्दोजहद ना होती। और शायद भरोसे में लेते तो टेररिज्म का मूल ही ना हो। इसलिए मनीष जी, इतिहास हमें मत सिखाइए। मैं बताना चाहता हूं, बहन मीनाक्षी लेखी ने कहा 600 से ज्यादा रियासतें थी, राजे रजवाड़े थे। ऐसा प्रॉब्लम ओवैसी जी चले गए, मुझे सुनने के लिए नहीं बैठे। ऐसा प्रॉब्लम हैदराबाद में भी हुआ था, भाई मजलिस में किया था। ऐसा प्रॉब्लम जूनागढ़ में भी हुआ था, मगर ये दोनों प्रॉब्लम सरदार पटेल टैकल कर रहे थे। आज हैदराबाद और जूनागढ़ भारत का हिस्सा है। और जम्मू कश्मीर कौन देख रहा था? जो देश विरोधी बात करता था उसको सुरक्षा दी जाती है। सुरक्षा देने के लिए खतरे के पैरामीटर्स होते। जम्मू कश्मीर में एक नया पैरामीटर था, चार भारत विरोधी बयान दे दो आपको तुरंत सुरक्षा मिल जाएगी। मेरी तो समझ में ही नहीं आता, सरकार के खर्चे से, भारत की जनता के खर्चे से भारत विरोधियों को सुरक्षा देने का क्या तर्क था? कोई थ्रेट नहीं है। मारने वाले उनको नहीं मारेंगे, पूरी दुनिया को मालूम है। मारने वाले भारत की बात करने वाले को मारते हैं। भारत की बात करने वाले को सुरक्षा नहीं मिलती थी, भारत का विरोध करने वाले को सुरक्षा मिलती। इसका रिव्यू कभी नहीं किया जाता, इसका रिव्यू नहीं किया जाता। माननीय अध्यक्ष जी, 2000 लोगों को जो व्यक्तिगत सुरक्षा दी थी उसका हमने रिव्यू किया, उनमें से 919 ऐसे लोग
जिनको सुरक्षा का कोई खतरा नहीं था, वो भारत विरोधी सर्टिफिकेट के कारण सुरक्षा मिली थी, उनकी सुरक्षा को हटाने का काम ये सरकार। पाकिस्तान के चैनल दिखाए, भारत विरोधी प्रचार होता था, भारत विरोधी कार्यक्रम होते, भारत के अंदर की बातों को इससे तोड़ मरोड़ कर रखा जाता, जो कश्मीर के युवा को बहकाता था, गुमराह करता था, ये चैनलों पर रोक कभी नहीं की। मैं आज इस सदन के अंदर श्रीमान राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, उनको अभिनंदन देना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को अभिनंदन करना चाहता हूं कि भारत विरोधी जितने भी पाकिस्तान के अनऑथोराइज चैनल थे उसका प्रसारण ये सरकार ने बंद करने का काम किया।